हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हमने दो शिमला मिर्च, दो प्याज ले रखी थी, जो एक प्याज मैंने एक काट के रख लिया है, थोड़ी सी पत्ता गोभी है और एक प्याज हम काटने जा रहे हैं। ये मैंने शिमला मिर्च काट ली है और एक गाजर है। अब हम पनीर को ग्रेट करेंगे दही के साथ। हमने थोड़ी सी दही ली है, एक कटोरी। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चम्मच पनीर मसाला। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। अब हम मिक्स करेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये हमारा दही मसाला और मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पनीर डालेंगे। पनीर को मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब आइए हम इसका स्टफिंग तैयार करते हैं। आइए अब हम पत्ता गोभी और इस प्याज गाजर को फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए अब हम गैस को ऑन करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हल्के मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चलाना है। फिर थोड़े इसको ढक के रखेंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे जो हमने मिक्स किया था मसाले के साथ।
अब हम इसको मिला देंगे। हमें इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है, बस हमें इसे मिलाना है थोड़ा। फ्लेम इसकी हाई कर दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर इसको चलाते रहिए बस। इसमें जो ये पानी छोड़ा ये हल्का सा सूख जाए, उसके बाद फिर हम इस गैस बंद कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा स्प्रिंग रोल का मसाला तैयार हो गया है। आइए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी मैदा लिया था और एक कटोरी आटा। ये जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ है, देख लीजिए इसी का सूखी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा। आइए अब चलते हैं, चीला बनाते हैं। हम गैस को ऑन कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी या तेल बटर आपके पास कुछ भी हो लगा सकते हैं। टिश्यू पेपर है आप उससे थोड़ा सा ऐसे इसको फैला दीजिए आगे को। आइए अब इसमें बैटर डाल के बनाते हैं। इसको अच्छे से इसको फैला दीजिए ऐसे। अब इसमें स्नैक में थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। इसको हम उनके हैंड से धीरे धीरे निकाल के दूसरी तरफ रख देंगे। अच्छे से हम इसको एक बार पलट के देख लेंगे हो गया है कि नहीं। अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। और हमारा चीला बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आइए हम स्प्रिंग स्प्रिंग डालते हैं। आइए हम दूसरा चीला बनाते हैं। थोड़ा सा घी डाल देंगे साइड में। घी डाल देंगे साइड में। इसे हम उनके हैंड से निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर अच्छे से पक जाने देंगे।
देते हैं। हमारा ये भी चिकन बनकर तैयार हो गया है। आइए अब इसमें चटनी डालते हैं। अगर आपको इसमें मेयोनीज भी लगाना है तो लगा सकते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा सा बर्गर मेयोनीज भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। अब इसको हम रोल कर देंगे अच्छे से। रोल करके अब हम इसको ऐसे कट कर देंगे। देखिए हमारा रोल बनके तैयार है। अब मैं आपको बिना मेयोनीज और आप इसको बिना मेयोनीज के भी बना सकते हैं। इसमें मैंने मेयोनीज नहीं लगाई है। आप इसके ऊपर प्याज, हरी चटनी हो वो भी डाल के खा सकते हैं, हमने काटी नहीं है। आप इसको ऐसे रोल कर दीजिए। देखिए ये भी मैंने कट कर दिया है। देखिए मेरी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। अब देख लीजिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। आप लोग भी एक बार बना के ट्राई करिएगा, देखिए अब कैसा लगता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी कैसी लगे उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।